I'm gonna shoot him. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون استغفر
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العلي سبحان الله سبحان الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال درود و سلام پیش فرماؤ سارے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ من مونے نبی من ٹھار نبی من مونے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے تساں بولو تے منہوں پھل کر دے تساں بولو تے منہوں پھل کر دے گفتار دیاں کیا باتاں نے گفتار دیاں کیا باتاں نے انوار دیاں برساتاں سن انوار دیاں برساتاں سن اک دوجی نوں کہندیاں راتاں سن اک دوجی نوں کہندیاں راتاں سن جس رات دے تڑکے آیا نبی جس رات دے تڑکے آیا نبی اس رات دیاں کیا باتاں نے من موڑے نبی من ٹھار نبی تیری ذات دیاں کیا باتاں نے تسا بولو تے منہوں پھل کر دے تسا بولو تے منہوں پھل کر دے
गुफ्तार दिया क्या बात वल फजर दे चेहरे वाले पिया सिर साया गम दिया रातां दा तेरी नजर होवे ते तेरी नजर होवे दिन चढ़दा तेरी नजर होवे ते दिन चढ़ जावे तेरी जात दिया क्या बातां ने तेरी जात दिया क्या बातां ने मन मोणे नबी मन ठार नबी मन मोणे नबी मन ठार नबी तेरी जातिया क्या बातां ने तुसा बोलो ते मोह फुल किर दे तुसा बोलो ते मोह फुल किर दे गुफ्तार दिया क्या अरब शरीफ दे अंदर माही वसदाए अरब शरीफ दे अंदर माही वसदाए अपना पता निशान मदीना दसदाए अपना पता निशान मदीना दसदाए फुल्ला नाल चंगेरा भर दिया जा दिया ने फुला नाल चगेरा भर दिया जा दिया ने जदों मदीने वाला सोना हसदा है जदों मदीने वाला सोना हसदा फुला नाल चंगेरा भर दिया जा दिया ने फुला नाल चंगेरा भर दिया जा दिया ने जदों मदीने वाला सोना हसदा है जदों मदीने वाला सोना हसदा है अरब शरीफ दे अंदर माही वसदा है उलमाए किराम मुअज्ज़ज़ हाजरीन और सामईन किराम अल्लाह ताला दी अनायतां ते रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शफकत दे नाल इस महफिल पाक सबनों सानू शिरकत नसीब जिहड़ी आया मैं तुहाडे सामने कीती है पेश अल्लाह ने फरमाया इंसान पे ऐसा वक्त था जब ये काबले जिक्र न था। आम लोग समझते हैं कि शायद आलमे अरवाह की गल लोगों ने समझा कि हलता अलल इंसान ही मिनत दहर का मतलब है कि आलमे आदम तो पहले कुछ भी नहीं सी आलमे जब आलमे आदम था फिर कुछ न था जब आलमे आदम था फिर कुछ न था एक कुरान कह रहा है कि जो कुछ भी नहीं सी उदों भी इंसान सी
जब 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 कुछ न था लेकिन इंसान लम यकुम शय मस्कूरा, वो काबिले जिक्र न था यानी मजकूर नहीं सी, गैर मजकूर सी। फिर अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। अल्लाह ताला जिदू किसे शय दा इरादा करदा है, किसे चाहत दा इरादा करदा है, शयन दा मतलब की है चाहत, जिदू अल्लाह ताला चाहंदा है चाहत करदा है, फिर कुन फरमांदा है की भला, ते पुछन वाली गल है कि कुन तू पहले कोई है सी, उदा मुखातब कौन सी? नहीं, मुखातब अल्लाह ताला, कोई शह है सी जिदे नाल मुखातब होया कुन? अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, जिदू कुन जो अल्लाह ने फरमाया उस तू पहले शयन समझते हो ना, चाहत नु कहंदे ने वल्लाहु यरज़ुकु मन यशा। हाँ जी, ते ओ कौन जिदू फरमाया उस तो पहले कोई मुखातब केड़ा सी अल्लाह दा जिन्हों कौन क्या, क्यों जी जिदू कुछ भी नहीं सी उदू कौन जो फरमाया, ते कौन तो पहले केड़ी चीज सी जड़ी अल्लाह ताला दी मुखातब सी जिन्हों अल्लाह ने कौन फरमाया, जरा सोचो हाँ कौन तो पहले कौन सी जिन्हों अल्लाह ने मुखातब किया ते फरमाया कौन हो जा फया कौन, बस फिर हो गई। वो चीज जाहिर हो गई कौन तो बाद, पहले कितने सी पर्दियां दे विच, तुहानू पता जिहड़ी शायद दिल च होवे तुहाडी चाहत है ना, तुहाडी ख्वाहिश है, तुहाडी चाहत है, तो पर्दे च हुंदी है, उन्हों कढ़ना पैंदा किसी हिसाब दे नाल, कढ़ना पैंदा कि नहीं कढ़ना। तो अल्लाह नूं पुछिया कि या अल्लाह ये कौन तो पहले की हिसाब किताब सी, अल्लाह ने फरमाया कौन तो पहले एक सिर्फ मेरी जात सी, दूसरी मेरी चाहत सी। कौन तो पहले सिर्फ एक मेरी जात सी, दूसरी मेरी या अल्लाह वो जड़ी तेरी चाहत है उदा ते पता चला दे कि वो तेरी चाहत कौन है। फरमाया मेरी चाहत सिर्फ कौन तो पहले एक मैं सा, ते दूसरी मेरी चाहत सी मेरा मुस्तफा से। कौन तो पहले अल्लाह ते दूसरा कौन सी, हुजूर अल्लाह दी चाहत ने ते कमली वाले आका दी चाहत जनाबे हुसैन ने। आज करन लगे हैं जिक्र मुस्तफा बसूरत जिक्र हुसैन, बल्कि जिक्र खुदा बशक्ल जिक्र हुसैन। अज दितार फिर करबला दी रातां दे नाल जोड़ी है ना। हाँ जी, अज गल होएगी मुख्तसरन, लेकिन दो हदीसां मैं पहले इस तो पहले तुहानू दस छड़ा, दो हदीसे पाक बुखारी शरीफ। सरकार माले गनीमत वंडन लगे तो एक तमीमी नाँ का बंदा सी कलमा पढ़न वाला, उन्हें इतराज किया कि इंसाफ करो
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उमर ने गुस्से विच तलवार कढ़ ली, उदी गर्दन उतारन वास्ते आपने मना कर दिता। आपने फरमाया सहाबा सुनो, एदी ऐसी नस्ल होएगी, ए बंदा जड़ा गल करके गया, एदे चो ऐसी कौम होएगी, ऐसे लोग होंगे इन्ना कुरान पढ़नगे सहाबा, गल गल नाल कुरान पढ़नगे, हर वक्त कुरान की तिलावत करनगे, लेकिन मेरे सहाबा उन्होंने हलक तो थले कुरान नहीं आएगा। और ये लोग दीन चू इस तरह दूर होंगे जिस तरह तीर कमान चू दूर होया होंदा। फिर आपने फरमाया सहाबा तुहाड़ियां नमाजा तुहाड़े रोज़े, सहाबा कराम ने नमाजा रोज़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तुसी अपनी नमाजा नू हकीर समझोगे इन्हां दे मुकाबले च, कि साडियां ते नमाजा कुछ नहीं है, ते बड़े नमाजी ने, ये ते बड़े रोज़ादार ने। फरमाया ओ इस तरह दीन चू दूर होणगे जिस तरह तीर शिकार चू दूर होया होंदा, उन्हां दा दीन दे नाल कोई तअल्लुक नहीं होएगा। एक पासे इन्ने अमल करन वाले ते हजूर फरमा रहे ने दीन चू इस तरह दूर होणगे जिस तरह तीर कमान चू दूर होया। हुण दूसरी मैं हदीस सुनावांगा तुहानूं, तुसीं मवाजना करना। एक सहाबी सी दूसरी हदीस च, उहदा नां सी अब्दुल्ला। की नां सी? वो शराब पींदा सी, सजा होई कोड़े लग गए, दोबारा फिर पी ली, फिर कोड़े लगे सजा हो गई, फिर पी ली। सहाबा कराम आपस बैठे सन ते आखन लगे लानत होवे इहदे उत्ते कि इहनूं इन्नी वारी मना कीता, हराम है, पता भी है, कुट खांदा फिरदा है, सजा चलदा है, फिर यह पींदा ते लानत होवे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लिया रहे सन ते करीब सन, उन्होंने इस गुफ्तगू दे करीब सन, आप दे कन मुबारक चो लानत वाला जुमला पिया, सरकार खड़े हो गए, फरमान लगे सहाबा उहदे ते लानत ना भेजो। सहाबा परेशान खड़े हो गए कि असी ये बड़ा साढ़े को अजीब हो गया कि असी कह दिता है और आपने सुन लिया। आपने फरमाया बास कीता, आपने फरमाया उस पर लानत ना भेजो, तुम्हें पता है उसके दिल में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बेपनाह मोहब्बत है। तुम्हें पता है लानत से बास? फरमाया तुम्हें पता है उसके दिल में कितनी मोहब्बत है? यार सारी दुनिया मोहब्बत सरकार नाल करती है पर किसी की गवाही तो नहीं दी। वो जिदे अमल भी घट, जड़ा पी लैंदा सी सदा भी चली जाता सी, हाँ जी हजूर फरमा रहे ने उदी गवाही दे रहे ने, इन्हू बड़ी मोहब्बत जे मेरे नाल। एक चाहता कि अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल भी उदे नाल बड़ी मोहब्बत कर दे रहे। हुण इह दोवां गल्लां दा मुवाजना करके वेखो, एक पासे बेबा अमलां वाले ते एक पासे अमल भी थोड़े बहुते, ते उहदा काम पता की हुंदा सी? उहदा सुनो, उहदा काम की हुंदा सी? सरकार कोल बैठा रहिंदा सी, ते जदों लोकां ने दुख दीआं गल्लां सुनाणियां, हजूर ने गमज़दा हो जाणा, बोझ पैणा तबीअत ते, लोकां दे गमां दा भार चुकण वाले नबी सन साडे, ठीक है ना? हुण भी चुक रहे ने, इह नहीं गल, क्यामत तक चुकदे रहणा। हाँ जी, लोग कहिंदे ने नबी पाक दा वसीला लवीए कि ना, ओ पागलो, हजूर ते दुनिया ते आउण तों पहले भी वसीला सन, ते दुनिया च रह के भी वसीला, ते जाण तों बाद भी वसीला, क्यामत वाले दिन भी वसीला, उस तो बगैर तो गल ही कोई। हुण तुहानूं समझ आई है कि जिहड़ा तअल्लुक है, एक है नबी पाक की जात ए पाक, एक है हजूर की तालीमात। समझ आई जे? अमलां दा नां तालीमात की तरफ जांदा, ते मुहब्बत जात का तअल्लुक जिहड़ा मुहब्बत की तरफ, मुहब्बत का जात की तरफ जाता है। हुण तुसीं दसो, ये दो हदीसां सुनाईयां ने, तुसीं मुआजना तुहानूं हो गया होगा कि जिहड़ा तअल्लुक है वह अमलां नाल नहीं मिलता, वह मुहब्बत नाल मिलता है। तअल्लुक कादे नाल मिलता है? मुहब्बत नाल मिलता है। तअल्लुक कादे नाल मिलता है? लोग असी नात पढ़ने, नात खानी करने, लोग कहते ने ये नात खानी करते ने, ये जिक्र हुसैन करते ने, ये नमाज है, ये कोई रोज़ा है,
ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਚੱਲਿਓ ਬਦੋ ਬਦੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰੇ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਿਆਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, 20,000 ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਕਾ ਅਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਆਪ ਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਬੂਲੀਅਤ 'ਚ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਮਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਸਲਾਮ ਲਵੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਮਾਜ਼ ਖਤਮ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਅਯੂਹਨ ਨਬੀ, ਯਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਅਯੂਹਨ ਨਬੀ, ਅਯੂਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਯਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਯਾ ਛੋਟਾ, ਅਯੂਹਾ ਵੱਡਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਾਨਾ ਨੇ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਯਾ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਯਾ ਦੂਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਯੂਹਾ ਦੂਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਯੂਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਖੜਾ। ਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਾ ਲਵੋ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਹੈਂ, ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੂਦ ਓ ਸਲਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਿਆਮ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਜਦੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕੂ ਕਬੂਲ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ, ਨਮਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਆਖਦਾ ਇੰਝ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦੇ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਰਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ। ਅੱਲਾਹੁਮ ਬਾਰਿਕ, ਬਾਰਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਦਰੂਦ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਪੜ੍ਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹ। ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਲ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾ ਅੱਲਾ, ਦੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈ, ਰੱਬੇ ਜਲਨੀ ਮਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਮੰਗ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਤੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਨਮਾਜ਼ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਇੰਨੇ 100 ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਹਾਬਾ, ਸੱਲੂ ਕਮਾ ਰਾਈ ਤੁਮੋ ਨਿਉ ਸੱਲੀ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਜਾਤਾ ਹੂੰ ਵੈਸੇ ਵੈਸੇ ਕਰਤੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਰੁਕੂ 'ਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਜਦੇ 'ਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਆ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਦੱਸੋ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਰੁਕੂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂ ਜਾਏਗਾ,
हजूर दे ख्याल दा ना ही नमाज है। ये सियाबा नूं पुछ जाके जो नमाजा पढ़ते सन मूँह काबे वाल हुंदा सी, खुदा दी कसम रसूल पाक आंदे सन काबे वाल पुश्त कर देंदे सन, मूँह सरकार दी तरफ कर देंदे सन, और सरकार भी कमाल सरकार सन। सियाबा नमाजों को मुकम्मल करो, ये नहीं आख्या टुट गई, हालांकि काबे वालू रुख फिर जाए टुट जाती है नमाज, जदों अस्सलाम वालेकुम तो हुण थोड़ी जी भी मुड़ जाए सज्जे पासे तो नमाज मुक गई। तुसी देखो पूरे ही मुड़ गए ने तो नमाज फिर जा रही है और रसूल पढ़ा रहे हैं नमाज। की दसीए तुहानू की दसीए सियाबा दी नमाजा किंज दियां सन, उंज दियां नमाजा रखो, उन्हां दे साए थले रवो, ठीक है ना। ये किसी आबी नमाज पढ़ रहे ने उन्हें हमेशा सज्जे पासे पढ़नी। साथियों ने आखा यार जदों तैनू वेख्या सज्जे नमाजी बड़ा पक्का है तो हजूर दे पिछे खड़ा होकर पढ़ ज़्यादा सवाब हुंदा। उन्हें कहा यार मैं सवाब नूं उत्थे की करां, ये पिछे हजूर का चेहरा नहीं लभदा, आपां सज्जे पासे खड़े होकर नाले नमाज पढ़ छड़ी दी नाले दीदारे आका हुंदा रहिंदा। हाँ जी दसो भाई ये एक कैसी नमाज है। हाँ एक सहाबी नमाज पढ़न गए, पढ़ रहे ने असर दी ते बुलाया वो नमाज की हालत ही हजूर दे कोल, जी या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये कुरान का फैसला है, सियाबी ने अल्लाह की गल मनी। कुछ चीज़ा मंगवाइया लैन चले गए बाजार, रस्ते में चीज़ा भी लाइया, हाथ मुसाफा भी यहूदिया नाल भी काफना नाल भी करते आए, हाथों जी बन्ने ने ते सरकार दे कोल, आप घर नूं टुर पए ने ते पिछे पिछे हजूर मेरे वास्ते की हुक्म फरमाया, जा तू जिथों छड़ी शुरू कर दे जा तू मुकम्मल कर ला अपने। हाँ जी मैं कहना काफरा ना सलाम यहूदियां ना रस्ते सलाम, की हाल है जी खरीयत है जी, हाथ बन्ने ने नमाज होंदी पई है। ओए जिस नमाज दे विच आका खड़े हो जाने तो ओदे भावें तू पूरा जान फिर के आ जा उत्थे ही, क्योंकि सुई उन्हां दी कुतुब नमा वांगू रहिंदी कमली वाले अल सी। तो फिर रब ने भी कुरान च आख्या, गल सुनो जदों मस्जिद किबला तैं च किबला बदलिया, पता तुहानू की होया सी, पता तुहानू इस गल दा की होया सी, ये तो सारे मसले करदे ने किबला पूरा जिहड़ा सपारा ना सयकूल सुफहाओ मिन अन्नास मा वल्लाहु मन किबला तुहुम अल्लाज़ी कानू अलैहि, फिर अगे चलदियां चलदियां लियो दिया ईमानकुम, रब ने की कीता कि हजूर खड़े सन ते दिल च ख्याल आया ते बारह वारी उत्ते नूं वेख्या मूँह करके, नमाज पढ़ांदियां को मुफ्ती साहब मौली साहब घड़ी घड़ी तां वेखण ते नमाज दे की हाल होएगा, नमाज ठीक नहीं रहिंदी। सरकार ने जदों तां वेख्या ना रब ने वही ये कुरान बना दिता, कुरान का हिस्सा बना दिता आप दे तां वेखण नूं, सोणिया जिहड़ा तू वेखना पिया ना असीं तैनूं वेख रहे। फरमाया किबलतन तरदाहा फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, ते हजूर ने मूँह उस वक्त मोड़िया, मोड़िया किस तरह पे पहले मूँह मुबारक सी इधर ते फिर मूँह किधर नूं होया इस पासे, पीछे से आबा खड़े सन उसको पीछे औरतां सन नमाज पढ़ रही। रब ने कहा मैं टेस्ट लै रहा सा सियाबा का, हजूर ने मशरा तो नहीं किया भी तुम मूँह मोड़ो बई किबले शरीफ वालू नहीं मोड़ना, बैतुल मुकद्दस वालू नहीं मोड़ना या मोड़ लेना, कोई गल नहीं हुई। नमाज पढ़द्या हजूर मुड़ गए, रब ने आख्या मैं वेखता पिया सा सियाबा, अगर इन्हों का मूँह किबले वाल रहा एक दवी ईमान नहीं सी सलामत रह सकता, सब दे ईमान जाया हो जाने सन, यदा मतलब किबले वल नूं मूँह रहा तो ईमान जाया। मैं वेख्या कि पास हो गए ने, इन्होंने किबले की परवाह नहीं की, इन्होंने आख्या कि असी तो हजूर के रुख नूं वेखणा, हजूर का रुख जिधर नूं मुड़ गया उधर नूं मूँह मोड़ छड़िया। हाँ जी ये सी सहाबा कराम की नमाज, समझ दो नमाज किस तरह की सी, हुण समझ आ गई जे। जेड़े लोग आखते ने जी अहले बैत दा नहीं, लो रब नूं पता सी दरूद सलाम मटाना, कईयां ने दीवारां तों मटाना, कईयां ने किताबां विचों मटाना, लेकिन आपां राखी नमाज च छड़ने जिहड़ा इत्थों घटाएगा ना तो फिर नमाज भी नाल ही जाएगी, दरूद नहीं जाएगा, दरूद नहीं जाएगा नमाज भी चले जाएगी, वो बेनमाजी करके मारसा। हाँ जी ते ना पढ़े दरूद असी कहने पढ़ो ना पढ़ो, है तेरी लोड़ ही कोई नहीं, तेरा बूथा ही नहीं दरूद पढ़ने वाला, तेरा मुँह है चबला है। खुदा दी कसम नबी दी जात ते बहुत बुराल, असी कहने साढ़े वाल मुँह करके सलाम लवे ही ना,
ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਹਵਾੜੀ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਹੈਂ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਖੁਦ ਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਾਓ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਆਪੋ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰੋ, 100 ਇਬਾਦਤਾਂ ਦੇ ਛੱਡੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਮਲ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਬਾਦਤਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਆਪੋ ਇੱਕ ਅਮਲ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਚਾਹਿਆ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਆਖਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਰਿਸ਼ਤੋ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਓਏ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਰੀਕ? ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਬੀ 'ਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਔਰ ਰੱਬ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਕਿਆ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਚੁੱਕੋ 20 ਸਾਲ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਸਲਾਮ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਸਲਾਮ, ਅਤੇ ਮਰਤਬਾ ਇੰਝ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਬੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਲਲਾ ਖੀਰਾ ਤੂੰ ਖੈਰੁੱਲਾ ਕਮੇਨਾ ਲੋਲਾ, 11:01 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਆ ਨਾ, 11:02 'ਤੇ ਸੋਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਲਲਾ ਖੀਰਾ ਤੂੰ ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਾਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਥੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਆਸ਼ਮ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਰੂਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ? ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਸੂਖ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਖਲੀਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਟਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਕਲਮ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ 'ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਨੇ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਸਲਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋ ਉਹਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਤਹਾਸ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿੱਥੇ, ਵੱਲਾਖਿਰਤ ਖੈਰੁੱਲਾ ਕਮਿਨ ਅਲੂਲਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਬੈਨ ਅਲ ਖਾਲਕ ਵਲ ਖਲਕ, ਮਖਲੂਕ ਔਰ ਖਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕੋ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਾਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਖਲੂਕ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਅੱਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੌਤ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ 'ਚ ਹੈ, ਮੌਤ ਮਖਲੂਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਅਲ ਖਾਲਕ ਵਲ ਖਲਕ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਿਆਓ ਫੜ ਕੇ, ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਾਓ, ਮੈਂਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਰੱਬ ਆਖੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਜੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ,
जरा वेखन तमाशा अज मौत नूं ज़िबा करना है। मौत नूं कर दिता ज़िबा, हुक्म हो गया, हुण हमेशा दी जिंदगी है। खुदा दी कसम मिंबर ते बैठ के दसना पिया, ये मरतबा तुहानूं जन्नत च जाण तों बाद मिलेगा, मौत तों बाद मिलेगा। लेकिन सरकारों ने, अल्लाह ने जिन्हां नूं हयाती विच ही ज़ाहरी च मरतबा दिता सी, भाई की गल की समझा जे, हजूर तुहानू मरण तो बाद हमेशा दी जिंदगी दा, ते हजूर नू अल्लाह ने पहले ही मरतबा दिता है। मौत नहीं उत्थे जा सकती, मौत मौत इस वास्ते हजूर ने फरमाया, खुदा की कसम मेरी रूह वापस लौटा दी, मेरा उम्मती जहाँ से भी जब भी मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, फरमाया पहली बात तो यह, ख़त्म होने से पहले उसका मेरे पास आ जाता है, मैं अपने कानों से सुनता हूँ और अपनी ज़ुबान से उसका जवाब देता हूँ। और सिहासिता दी हदीस है, बात सुना रहा था नू मैं, सहाबा ने अर्ज़ की यार सुल्ला दुरूद व सलाम जुमे वाले दिन, फरमाया बहुत पढ़िया करो, तो विसाल तो बाद, फरमाया विसाल का की गल काम है, विसाल की गल का की मतलब है, क्यों की गल, असी विसाल तो पहले हैं ना जी, इंज विसाल तो बाद भी इंज है। ओ यार मैं कहना हजूर की शान तो बड़ी है, गुलामां की शान, बाबा फरीद गन शकर का एक गुलाम फौत हो गया जुलाबा नाल, जुलाब लगे फौत हो गया, फजर की नमाज का टाइम हो गया, बाबा फरीद गन शकर रहमतुल्ला अलैह नमाज पढ़ाने लगे, उत्थे एक दरवेश की ड्यूटी लगी कि तू मैयत को बहना, वह मैयत को बैठा रहा, कहता दरवेशा भाई अल्लाह दिया बंदिया नमाज तो मैं पढ़ ही लवांगा, पर मैंने बाबे फरीद के कदमों पिछे खलो के तो नहीं लभनी, यार तू चंगे वेले फौत होया, तू कि दिने हो जाता नमाज तू बाद, तू दरवेशा चंगा। उस दरवेश ने भी चादर खिंच के ना कफन वाली मूँह उठा के उठ के बह के कहता यार तू पढ़ा जा के असा फिर फौत हो जाएंगे। हाँ जी फैजाने हजूर किबला आल, फैजाने हजूर किबला आल, आस्ताना आलिया वाल्टन शरीफ जिंदाबाद। यार आज ले एक खलोंदा नहीं पिया, हाँ जी है हाय, गल की कर रहा, ध्यान नाल सुनते पियो ना की आख्या पहला बाबे फरीद दी गल की थी, हुण तुसीं आखो जी ओ जी एवें गल्लां ने जी, एक कुरान नूं झूठ लांदा जिहड़ा बंदा इहो जी गल करदा, किहनूं झूठ लांदा, हुण दसो कुराने पाक चों रेफरेंस तुहानूं देण लगा, ज़हन च रखना, हज़रत मूसा अलैहि सलाम नूं रब ने आख्या जाओ मेरे वली की तलाश करो, नबी मेरे बंदे की तलाश करो, मेरे वली की तलाश करो, मच्छी पकाई तो लै के तुर पे तो रस्ते च आख्या यूशा भुख लगी रोटी लाए, आखन लगे जी मां इंसानी मैनू तो भुलाता शैतान ने, वो जिथे दो पानी कट्ठे होंदे ने मजमल बहरैन उत्थे वो मछली ते पानी दी छिट्टां पईयां ने दो, वो ते कट्ठी हो के पीस उहदे जिहड़ी तवे ते पकाई सी भुन्नी सी रोटियां नाल सन, वो हिल के इंज करके छाल मारी और जंप मारिया उहने पानी च जा वड़ी, ओए उहना कहा अल्लाह दे बंदिया उही ते मुकाम सी, उत्थे लै के चल चल आ सारे हा, उहना पैरां दे निशानां ते ध्यान रख ते उत्थे लै के चल। जदों गए फवजदा अब्दम मिन इबादिना, कुरान कहंदा उन दोनों ने मेरे खास उस बंदे वली हजरत खिजर को पा लिया, वो मच्छी जिंदा होके पानी च चले गई, वो पानी च को कैमिकल सी केड़ी शै लग गई, हाँ जी वो सालन बनया मछली दा पुजी, हाफ साहब नूं पुजी दा बड़ा पता है, ये अखा मीट के खांदे रहंदे ने माशाल्लाह, हाँ तो जो खाते ने तो फिर सुलह किस कोई आखे जी सुलह नहीं मारी, यार तू फिर लभा ही नहीं, मैं सुलह की मारदा तू लभ ला तो मैं तेन जरूर मारदा पुजी मच्छी की क्या फसाब ने पुजी मच्छी उछल के पानी च जा पाई, कैमिकल सी पानी में जो मछली गई नहीं, खुदा दी कसम मिंबरे रसूल ते बैठ के कह रहा अल्लाह ने कुरान च तुहानू दस्या समझिया भी करो, अल्लाह ने कहा जिस आबो हवा दे विच मेला वली रहिंदा होए ना
वह मुर्दे जिंदा कर छड़ दी है। जो मेरा वली निगाह कर देगा तो क्यों नहीं मुर्दा उठा। जिस आबो हवा चो पानी च हजरत खिजर मूँह धोते सन, करूलियाँ करते सन, बाहवा धोते सन, वह पानी की निस्बत अल्लाह के वली नाल सन। रब ने कुरान च खुल के दस छड़िया मेरे वली करूलियाँ करने वाला मेरा वली है, पानी लगा वह मुर्दे जिंदा करी बैठा है। तो बादशाह जितों बाबा खिजर या अल्लाह का वली निगाह कर दे तो फिर उत्थे क्यों ना उठे। है जी क्यों जी? हजरत बू अली कलंदर वो बीबी एक कुछ है वेचती वेचती, बीबी किधर? उन्हें कहा जी मैं वेचन वाली हाँ कुछ है, वहाँ तो थोड़ा पता लगा सी आप दरिया के किनारे हो तो मैं दुआ वास्ते आई हूँ, औलाद नहीं मेरे घर है, 10 साल हो गए ने शादी नू। फरमाया कितों आई है? यह जी फलाने महल्ले। अच्छा इंज उत्थे होर भी है ने कोई बे औलाद? कहंदे जी हाँ। जा फिर सारियां नू लैके आ जी कल। वो 8-10 नू लैके आ गई, आप सी मूँह च पान पाया तो पान की गलोरी कट के आख्या लो सारिया जनिया वंड लो तो खा लो तो जाओ अल्लाह खैर करेगा। वो गई खादिया जिदे जिदे हिस्से जिनी जिनी उस पारी है, थोड़ा थोड़ा आया कथा पान। आइंदा साल अल्लाह ताला ने सब नू एक एक बच्चे नाल नवाजिया, वो या 10 बीबियां बच्चों नाल ते एक 11वीं जिहड़ी सी विच वो बगैर बच्चे तो। ते खुशी दे नाल मिठाइयां लैके गई, गुड़ लैके गई, कपड़े लैके गई। सरकार तुहाडी दुआ नाल अल्लाह ने रहमत कीती है ते साडी खुशी कबूल। आ फरमांदे ने बीबी तू क्यों परेशान है? कहंदे जी मेरे नहीं बच्चा होया। अच्छा तू उस हिस्सा नहीं सी लिया गलोरी च? कहंदी जी लिया सी मैं, तो फिर खादा नहीं सी? कहंदी जी मैं चक्की के पुट थले रख छड़े। फरमाया जा पुट थले वेख, जिसले पुट थले वेख्या तो बच्चा उत्थे बनया। फिर ये दरवेशा नाल तलक, ये दरवेशा नाल तलक, ये महकमा ही तकन तकान वाला है। किहड़ा महकमा? चकने नाल। जाओ जाके चक्कर लाओ, कुछ शराबे वहदत दा कुट तुहानू नसीब हो जाए। अगर ना मिले कुट ना मिले तो सूंघ ही लवो, अगर ये नहीं नज़ला तुहाडे नक च वो तक ही लवो, ये कम बन जाएगा। और नबी पाक अलैहि सलाम ने हदीसे पाक है मुस्लिम शरीफ की सियासता दी फरमाया सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जिन्होंने मुझे तका। लो ना मुहद्दस दी, ना कारी कुरान दी, ना कोई हाफ़िज़ साहब तफसीर दी, आख्या सब तो वधिया है जिन्हें मैंने तकिया। फरमाया वो भी वध वध वाधू ने जिन्होंने मेरे तकन वाले ने तकिया। हजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह एक वाकया कि एक भाई फैसलाबाद ने भाई सादक फौत हो गए, उन्होंने घर गए तो उन्होंने गोशत बकरा किया तो 20 साल तो औलाद नहीं सी। आपने हजूर आफत जी साहब ने प्याली विच थोड़ा जहा गोश्त को 2-3 बूटियाँ रखिया विच और शोरबा, तो वड्डे हजूर किबला आलम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बूटी चुक के अद्धी खाधी और अद्धी विच रख के फरमाया भाई मियाँ भाई सादक दे बच्चे का अकीका ना अज। हाफज जी साहब ने अज भाई सादक दे बच्चे का अकीका ना, वो ना पीना ने कान में आप अर्ज की थी कि जनाब वो ते औलाद ही नहीं अली तक होया, तो आप फरमाते अच्छा मियाँ असी तो फिर अकीका समझ के खा लिया। कहते जनाब ये ठीक है। अच्छा फिर अकीका खा लिया। लो जी साल बाद वो हबीबुर रहमान उहदा नाम है, वो फिर पैदा हो गया। उन्होंने किसी ने कहा अकीके वालों, उन्हें कहा साडा अकीका भाई उदों ही हो गया सी, हुण अकीका कोई नहीं जाना। वो वाहिद बंदा जिहदा पैदा होने तो पहले अकीका हो गया। और फिर 5 बंदे होर आ गए उत्थे बैठे, वो 5 वास्ते ही दुआ, वो 5 दे नाम हबीबुर रहमान।
आपने चादर उत्ते लई सी ते लेटे सन, जेड़ा आवे ते चादर विचों गल हुंदी सी, चादर नहीं सी उतारी, चादर केड़ा, ठीक है बह जाओ जनाब, ठीक है बह जाओ, अल्लाह जाओ ठीक है हो गया, अल्लाह खैर करे, बस ठीक है, बस चादर चो काम हो गया, हाथ भी नहीं चुके। ओए असी ते वसीले वाले लोग हाँ, लोग कहते ने वसीला वसीला कितों आ गया जी, डायरैक्ट अल्लाह कोलों, तू अपना मूँह वेखे कभी रब ने डायरैक्ट की गल तेरे नाल है, और जो तेरे नाल रब नहीं डायरैक्ट करता पा, तू डायरैक्ट किवें कर सकना, वो उन्हें कसूल बनाता है कि डायरैक्ट मैं अपनी नहीं सुनानी गल, तुहानू कलमा पढ़ाया रब ने, तुहानू कुरान पढ़ाया रब ने, रब ने नबी पाक का वसीला लिया ते तुहाडे तक पहुँचया नबी पाक के वसीले नाल, अपनी गल हजूर के वसीले तो बगैर नहीं सुनाई। इहदा मतलब जिहड़ा अल्लाह अपनी नहीं सुनांदा पिया उस वसीले तो बगैर, तो फिर सुनेगा किवें हजूर के वसीले तो बगैर है। वह यकूब अलैहि सलाम दी अखां बिनाई खत्म हो गई, नबीने हो गए बता, तो बेटे आए भरा दे कोल यूसुफ अलैहि सलाम कोल कि अब्बा जी दी अखां खत्म हो गई, नज़र खत्म हो गई, तो किन्हां नूं क्या नबी सन जिहड़े वक्त दे, तो अखां किन्हां दीआं सन, वह भी नबी, तो जिस वक्त यूसुफ अलैहि सलाम नूं क्या, हाथ चुक के दुआ मंगदे, अल्लाह नाल डायरैक्ट तलक सी, उन्हां नालों वाधू तईद कौन जान सकदा, आखदे या मौला मेरे बाप दी अखां तू अता फरमा दे, ते वह भी नबी ना, रब अल मूंह नहीं कीता, की आख्या नबी, और सोचो तुसी नबी ने रब वल मूंह नहीं कीता, यार साड़ी तो गल ही होर है ना, साड़ियां दी नबी ने रब वल मूंह नहीं कीता, रबी ने कुड़ते वल मूंह कीता। ये मैं नहीं आखदा पिया, ये कुरान कह रहा, मूंह किहदे वल कीता, चाहिए सी ना रब वल करदे, हुण तुहानू तकलीफ होवे ते तुसी फौरी आसी या अल्लाह खैर करी, या अल्लाह शिफा दवे, या अल्लाह सेध दवे, हाँ जी हर गल या अल्लाह करम करें, या अल्लाह सफर ही, या अल्लाह खैर नाल, या अल्लाह बीमार है शिफा दवें, असी डायरेक्ट उत्ते करते फिरने। अल्लाह दे कुरान ने सबक देता, नबी ने सबक देता, डायरेक्ट की लोड़ कोई नहीं, नबी की सुनत बना दीती, रब वल नहीं मूँह किया, हाथ नहीं चुके, हाथ भी कुड़ते वल तो मूँह भी कुड़ते वल, तो बटन खोलन लग पे, कुरान कहता कुड़ता ला के ना गलों अंज, तो भरावान दिता फड़ा, ते लगे फरमान इज़बू बिकमीसी फअलकू अला वजह अभी याती बसीरा, ये कुर्ता मेरा ले जाओ बाबा के चेहरे पे डालना, बाबा देखेंगे फिर इंशाल्लाह। तुहानू समझ आ रही है कि नींद आ रही है, हाय हाय हली मैं मौजू की तरफ नहीं आ रहा, अज मौजू हुसैनी ते काफला भी हुसैनी है, असि परसों दे बन गए, हुण करे वसीले का इनकार कोई, जे करेगा तो फिर दो नबिया की सुनत का इनकार करेगा, तो कुरान की नस वबतगू इलैहि वसीला, वसीला तलाश करके आओ, वसीला लेके आओ, है वसीला, हाज कि वाडा ताडा काम ज करते हो ना जाके, तवाफ करते हो ना जाके, और पैसे खर्च करके जाते हो, मुफ्त च तो नहीं हो जाता, जाते हो ना खर्च करके, तवाफ कर लिया या मौला कर लिया, सत चक्कर ला ले, फरमाया कबूल नहीं होया, यार मैं तो इन्ना कुछ छड़ के करके हाज, हाज कोई नहीं तेरा भाई, तो मैं क्या करा, यार तेरा कब आया, तवाफ तो कर लिया, सफा मरवा से भी दौड़ ला ली, तो हूँ कबूल नहीं बई, यार ये फरमाया उत्थे एक पत्थर पिया काबे विच जिथे मेरे यार दे मेरे खलील इब्राहिम मेरे नबी दे दादे दा पैर लगा ही निशान लगा ही उन्हों रख सामने की भला वो पैर दे निशान नू सामने रख ते काबे नू मूँह करके उन्हों रख के सामने फिर मूँह काबे नू करके दो नफल वाजब तवाफ पढ़ तेरा फिर अज कबूल हो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला ते निशान पूरा मुल्क पत्थर दा किते निशान ही लगे उत्ते क्यों लगे वो दे ते दुआ कीती सी हजूर दे मिलाद दी रब्बना वबस फीहिम रसूला
किस तरह घर तमीर कर लिया, तो कोई ख्वाहिश तो कोई आरजू, आख्या या अल्लाह एक आरजू वो जिहड़ा तेरा महबूब है ना नबी वो मेरे नसब च पैदा कर दे, बस मेरी यही मजदूरी है मौला, जो क्यामत आले दिन जावां ते लोकी आखण कमली वाले दे दादा जान जा रहे हैं। बस लोकी आखदे ने पैरां नूं की करना जी, अल्लाह ताला ही काफ़ी है, नबियां दे पैरां दे की लोड़ है, वलियां दी की लोड़ है। रब ने कहा तू मेरे काबे च थिया, जे मैं उन्हां दे पैरां दे निशाना ते तेरा सिर ना सटवाया तो मैं भी खुदा नहीं होवां। निशाना च बरकत है, निशाना दे सदके पैरां दे निशाना च की रखिया हुंदा भाई, उह दसो हां कुछ आया हुंदी है, लेकिन रब ने काबे च गढ़ के दस छड़िया है, यही शाय जे इहदे सदके ही अज जनाबे सैयदा ज़ैनब, जनाबे फातिमा ज़हरा, जनाबे मौला अली करम अल्लाह वजह सब दी खिदमत, शहदाए करबला दी खिदमत सवाब हदीयत आप दे रफका दी। ते जदों अहले तारीख ने जिसले मक्के वाले ने वेखे ना पैरां दे निशान उस पत्थर ते, वो अपने नबी पाक दे निकले, हाँ वो निकले वो सरकार दे निकले, ते फिर साडा सारा भी ओ ने ते आसरा भी ओ ने। गुनाहगारां नूं है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह, तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह, तेरे बाजों केड़ा वंडीदा खजाने मेरे मौला दे, तेरे बाजों केड़ा वंडीदा खजाने मेरे मौला दे, फकीरों ने तेरा मलिया दोबारा या रसूल अल्लाह, फकीरों ने तेरा मलिया दोबारा या रसूल अल्लाह, गुनाहगारां नूं है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह, तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह, तेरा मुखड़ा नूरानी है तेरी दुनिया दीवानी है, तेरा मुखड़ा नूरानी है तेरी दुनिया दीवानी है, तेरे वर्गा नहीं कोई प्यारा या रसूल अल्लाह, गुनाहगारां नूं है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह, तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह, खुदा दा वास्ता करके करम दी इक नजर कर दे, खुदा दा वास्ता करके करम दीक नजर कर दे, चमक जावे मेरी किस्मत दतारा या रसूल अल्लाह, गुनाहगारां
है तेरा सहारा या रसूल अल्लाह, तेरे बाजों नहीं होना गुजारा या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, ते दरूद हर वक्त अल्लाह पढ़दा है, तेरी लोड़ ही कोई नहीं, तू ना ही पढ़, तू पढ़ के की करना है? क्यों भाई, अल्लाह पढ़दा कादे वास्ते? हुजूर नू राहत हुंदी, हुजूर नू ठंड पैंदी है जदों मालिक दरूद पढ़ रहे। फिर अल्लाह ताला ने कुरान च फरमाया, इन्नल लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, जिन लोगों ने, अल्लाह कहता है, मुझे और मेरे रसूल को अज़ियत दी, उन पे लानत है इस दुनिया में भी और आखिरत में। उन्हें आखिया जी रातों रात आपने कैसे आप ही, कोई गल नहीं इंशाल्लाह उगा लवेंगे, लैमी तुम बड़ा से आप ही खुश गया। उन्हें कहा चल भाई लो जी गिटका लाइया, लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा, लानत है जिसने अजियत दी मुझे और मेरे रसूल को। ईमानदारी नाल दसो अजियत का की मानी है? तकलीफ देनी, टार्चर करना। दसो अल्लाह नू को कर सकदा? अल्लाह ने वैसे भी कहा मैनू नहीं को अजियत दे सकता। इत्थे कहन दिया अल्लाह, जिन्हें मैनू तो मेरे रसूल नू अजियत दी, क्यों? अपनी अजियत नू जोड़ दिता रसूल दे नाल, यानी जिन्हें हजूर नू अजियत दी उन्हें अजियत मैनू दी, उन्हें मैनू अजियत दी। ये तो है उन्हें तो लानत, तो कुफरे अजीम है। मोमना की भी अजियत का जिक्र है, फरमाया गुनाह कबीरा। मोमना की अजियत होर है, हजूर की अजियत होर है, हजूर की अजियत होर है, वंड कर छड़ी। जेडे लोग कहते ने नबी साढ़े वर्गे सन, उन्होंने भुल लगी है, वह गलत है अकीदा। वो नबी कहता जो साढ़े वर्गे, कहते नबी है जो साढ़े वर्गे। ये अजियत जी है ना, बाज कहते हैं चलो जी वो तो चलो हजूर की हयाती अजियत हो गई, तो वफात तो बाद मैनू दसो इतने हाफज किन्ने बैठे? हाफज किन्ने बैठे ने? हाफजे कुरान है ना इतने किन्ने ने? वो कुरान च किस तरह आया था? वला चलो शुक्र है चल पे। मैं हाफिज तो नहीं, लेकिन जेड़ा सैयदन का हाफिज सी, जेड़ा जनाबे मौला अली दी नसल जो सी, खून से सी, मैं उस हाफिज नूं पढ़दिया सुनिया। ते जदों हजूर हाफिज जी सरकार शबीना पढ़ते सन ना, मैं छोटा जिहा सा, ते मैं कुरान सुनना ते फिर इस तरह वेखदा रहिंदा हुंदा सा, कितने अदब नाल, इंज सी जिवें खुदा नूं सुनाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है, रसूलुल्लाह नूं सुनाया जा रहा है, इतने अदब नाल, कोई हरकत नहीं सी हुंदी, सिर्फ होंठां दी फरफराहट देखदा सन, होंठां दी जिहड़ी सी ना चलनी इस तरह से, जिवें लफज जड़े ने वो आ रहे ने अगे और निकल जा रहे। और ढाई घंटे च एक रक च पहला कुरान पढ़ देना, पहली रक च सारा कुरान। एक दफ़ा मैं अर्ज कीता, मैं जनाब अगर सुर विच ना लगे, क्योंकि बहुत खूबसूरत आवाज़ वो जी बन ही नहीं सकती, तो मैं कह जी अगर ना हो टोटल स्पीड नाल पढ़िया जाए तो तकरीबन डेढ़ घंटे च ख़त्म हो जाता। मेरे वाल वेख के क्या ये नाल भी जल्दी कर लीदा, पर पिछलें भी तो पल्ले पवे ना कुछ। ते कदी नहीं सी आख्या मैं पढ़ना, कदी नहीं आख्या मैं हाफज हाँ। कोई हाफज साहब लभ जाने, अच्छा जी हाफज साहब, हाफज साहब ने बदाम मंगा के दो, इंज होना जिवें कुरान कितने वेख्या ही नहीं, जिस तरह कोई बंदा ना वेखन वाला हाफज की खिदमत इंज करनी करनी खिदमत। एक दफ़ा बहुत सारे हुफाज और कुर्रा आ गए तो कहन लगे जनाब सुने आप इन्नी जल्दी ख़त्म कर दो। कदी नहीं सी वो मनते इस गल, लेकिन मुसल्ले देख के अगला मनता,
खुद नहीं सी मन्ने कदी कहिंदे नहीं नहीं मैं तो नहीं पढ़ सकता किन्ने कहा तुहानू इह जी फलाने लोकां नूं दस्सिया कहिंदे नहीं मैं कतन नहीं पढ़ सकता हाँ लेकिन साढ़े मालकां दी इतनी मेहरबानी है कि जिस वक्त मैं कुरान दी मंजिल पढ़ रहा हाँ ना 20-30-40-50 बंदे आ जांदे ने हर बंदे दा काम भी हो रहा हर बंदे दी गल भी सुनी जा रही उधर कुरान दा वर्का भी थलिया जा रहा मेरी मंजिल भी जारी रहिंदी वो बंदा जरूरतमंद आता मैं उसकी गल सुनना वह काम भी किया जाता है और मेरी मंजिल भी जारी रहती है यानी वो गल भी सुनी जा रही है जवाब दिता जा रहा उसनूं वरके भी थले जा रहे हैं ऐसी मंजिल कि हो सकती तो गल यह है तो या उन्होंने बाबे का कुरान सी सरकार ने फरमाया शहीद जिंदा तो लोग मजाक करते सन तो जनाब हुसैन ने फिर नेजे ते चढ़ के बिस्मिल्ला पढ़ के कुरान जिसले पढ़िया तो आख्या मेरे नाने की गल पूरी करना पा ये उन्होंने शान है जिन्हें नेजे ते चढ़ के पढ़िया तो फिर काम तो उस घर ही हो सकता ना हाँ जी आयत जी पढ़ाई मैं आहो वला बस इत्थे ही सरकार दे विसाल तो बाद निकाह नहीं कर सकता समझे जे मसला है बड़े ध्यान नाल समझो गल सरकार दे नबी पाक दे विसाल ते वला तनकिहु अजवाजहु मिन बादिही अबदन हमेशा के लिए अबदी क्यों कि नबी पाक नू अजियत होएगी कि सरकार दी जौजा मोहतरमा दा निकाह किसी होर नाल कीता जाए ये नबी पाक नू अजियत होएगी इहदा मतलब ये आ तेरे नबी दा ते एहसास हमेशा वास्ते आया तो नबी क्यों नहीं हमेशा वास्ते होएगा ये कुरान दी आयत हयातुन नबी दी दलील है नस्से कती है कुरान फिर तेरा नबी जिंदा ना और दस ना है ये मौलवियों का ध्यान उधर क्यों नहीं जाता कौम सारी नू मौत हो हयात ला छड़िया कोई कहंदा जी हजूर खत्म हो गए कोई कहंदा जी वफात पा ली कोई कहंदा जी जिंदा कोई इसे कम च ला छड़िया शर्म नहीं आती अल्लाह कोई गल करता पाया ये कोई गल करता पे ने अल्लाह क्या कि निकाह किन्हां नाल अजवाज निकाह नहीं हो सकता इस वास्ते अजियत होएगी अजियत होएगी दूर पढ़ो मोहब्बत में बुखारी शरीफ दी हदीस है फरमाया अगर कोई अहले मदीना नाल तड़ी कराई ना किसी ने अहले मदीना नाल किसी ने तड़ी कराई उन्हां नाल लड़ाई कीती हाँ जी मदीने वाले नूं तड़ी कराई दाबा दूबा मारिया रोश जमाया किसी ने जाके फरमाया उन्हों अग च सुट के इंज पिघला देंगे जिस तरह शीशा अग दे विच सुट के पिघला दीदा है हाँ ते लोको वंड पै गई ना मदीने दी मदीने दा फिर शहर होर होया ना है ये हदीस होर किते नहीं लागू होएगी फरमाया जिन्हें मदीने दा दरखत कटिया उन्हें मैनू अजियत दिती है सरकार ने फरमाया जिन्हें मदीने दा दरखत कटिया हूँ तुसी समुद्री दा दरखत कट के आखो कि वह हदीस इत्थे लागू हो जे हो जाएगी पेशावर करोगे हो जाएगी कराची करोगे लाहौर करोगे दुनिया के जिस मुल्क च करोगे हो जाएगी मक्के च करोगे हो जाएगी दसो छेती बोलिया करो ना कितने होएगी तो फिर हर जगह बराबरी नहीं ना चलती कितने फर्क भी होता है मदीने का फर्क पै गया मदीने की बड़ा वाह जमात वाह जमात की भला वाह जमात एक है वाल जमात की भला
अहले सुन्नत दा उहदे च बड़ा वड्डा वल जे किते वल च ना आ जाए नहीं समझ ये देखो ये है अहले सुन्नत वाह जमात ये वो है जड़ा तेरे नबी ने नाम दिता हजरत अनस रदी अल्लाह ताला फरमाते ने मदीने का दरख्त भी कटे ना जाए उत्थे फितना भी ना पैदा किया जाए जड़े करेगा फरमाया उत्ते इंसाना दी ते फरिश्तियां दी लानत होएगी हमेशा वास्ते भाई दोस्तों थक तो नहीं गए कुछ है नहीं हो सच्ची गल करो पक्के हो सैनी हो सरकार ने फरमाया या अल्लाह जिनी बरकत मक्के च ना इहदे नाल दुगनी मदीने च दे मैं उत्थे चल जांदा पिया मैं चलिया ही उत्थे उत्थे डबल कर दे काम उत्थे की कर दे जिहड़े कहिंदे ने ना 50,000 नमाज़ां मदीने उह 10 साहब कढ गया उह साहब 10 दे कढ गया अज लोकां नूं पता चले मदीने ते क्यामत भी नहीं लगनी सारी जमीन ते लगेगी लेकिन हजूर दे मकाम ते क्यामत नहीं आएगी तुसी पुछोगे क्यों हजूर ने फरमाया माँ बई न बई थी व मिम्बरी रौदतम मिर रियादुल जन्ना मेरे हुजरे से मेरे मिम्बर तक ये जन्नत के बाग है ते क्यामत याद रखियो जमीन उत्ते आनी है जन्नत उत्ते क्यामत नहीं आनी साडा सोना जन्नत दे मुकाम च होण भी है ते क्यामत किवें आनी है जी साहब करो जी साहब करो जल्दी करो गड्डी च पई है 1,00,000 नमाज खाने कब है ते हजूर दे किन्नी होएगी फरमाया दुगनी मक्के नालों कबे नालों दुगनी ते किन्नी बनेगी वो भी बेच पाओ ना 3,00,000 नमाज दा सवाब है तेरे मदीने दे विच किन्नी नमाजां दा सवाब है मसले दी रूह नाल दसना पिया तुहानू मैं ते जे तुसी हकीकत पुछो साहब ही कोई नहीं है पता नहीं किन्ने किन्ने खरब वो किसे कोल नहीं लिखिया गा तुहानू अगे लिखाया नहीं किसे ने क्यों जी भुल गए हो हाँ जी चार खरब अगे फिर करोड़ां च हुंदिया आया खरब आखर ते खरब आंदा सौ नहीं आंदा इन्नी एक नमाज है सरकार दे कोल रमजान दे महीने च 27वीं दी ईशा जड़ी ते फिर एक दिन बह गए ये बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे सन साहब फिर एक गल हदीस पाक मिल गई फिर काम रह गया मैं क्या हुण फिर एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस होएगी फिर बैठांगे फिर हिसाब लवांगे लेकिन असी हिसाब लांदे ही रहना है हिसाब तां चढ़दे ही रहना वल आखिरा तो भाई वो कुरान की आयत कितने जानी है सोने हर घड़ी वाधू काम हुंदा जाए हर घड़ी वाधू मक्के दा काम उत्थे ही है वो पक्का है लेकिन हजूर दा वाधू होई जा रहा है हजूर दा वल आखिरा तो खैरुल हर घड़ी वाधू हर घड़ी वाधू जा रही हर घड़ी वाधू जा रही मदीने का दरखत कटिया जाए तो हजूर नू अजियत होवे ते जो गुलशन नबूवत का फुल कटिया जाए उदू अजियत नहीं क्यों भाई हाँ जी और मदीने शहर का दरखत कटे तो हजूर नू तकलीफ होवे ते जो जनाबे इमाम हुसैन का सर कटिया तो उदू की आलम होएगा उस वक्त की आलम आएगा उस वक्त की आलम आएगा जदों अली असगर नू अजियत दिती है जदों सकीना जनाबे सकीना नू अजियत दिती है हजूर नू अजियत कितनी हुई होगी मैनू एक गल बड़ी हैरान लगी अलामा साहब वो ये लगी कई 100 साल पहले दी गल है हजरत मरियम ना सुनिया जी उन्हें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी अम्मा किन्ने 100 साल पहले सरकार तो ते रब कुरान च उन्हां दे दर्दे ज़ेह दा जिक्र करदा उन्हां दी तकलीफ दा जिक्र कई 100 साल बाद हलां जरूरत नहीं सी लेकिन जरूरत पैगी ना
कि उन्होंने बड़ी तकलीफ हुई, वो चले गई शहर चो दूर, बड़ी परेशानी का आलम। फरमान लगी ये मर ही जाती, इन्नी तकलीफ हुई। रब ने कहा कोई गल नहीं, मरियम जरा सुकी खजूर जरा हाथ ला ना। हाथ लाया तो खजूर तरोताज़ा थले गिरियां, लागे चश्मा पानी का जारी किया। लेकिन जिहड़ी वह तकलीफ सी ना दर्दे ज़ेह दी, उहदा तस्करा अल्लाह ताला कुरान करीम दे विच फरमा रहा, उहदा जिक्र फरमा रहा कुरान करीम दे विच। इहदा मतलब अल्लाह ताला भी उस गम की याद मना रहा है। 400 साल, कई 100 साल पहले का वाकया, 600 साल पहले, किन्ने 100 साल जी, ईसा अलैहि सलाम कदों आए, तकरीबन 550 साल। हाँ जी, अच्छा तकरीबन 600 के करीब ला लो। इन्ने 100 साल बाद अल्लाह गम मना रहा है, जेड़ा माई मरियम ने मनाया, जेड़ी तकलीफ, जेड़ा दर्द होया। भाई समझे जे कि नहीं है, तुहानू समझ आ रही कि नींद आ रही? समझ आ रही है। अहले बैत दे नाल मुहब्बत ना करन वाले सुन लवो, ये दर्दे जे बयान करना कोई मजमून है अल्लाह दा? ये कोई मजमून है? सानू पुछदे हो जैनब दे दर्द दा जिक्र क्यों करदे हो? दर्दे ज़ेह दा जिक्र करांगे ना, क्योंकि अल्लाह ने इन कुरान का हिस्सा बना दिता, ये नेकियां मिलनगियां। हाँ जी, ते जे दर्दे ज़ेह दा असीं गम मना सकने हैं कुरान च जिक्र हो सकता, तो फिर गमे हुसैन क्यों नहीं मनाया जा सकता? है उस सकीना दे दर्द दा, जनाब सैयदा जैनब दे दर्द दा जिक्र क्यों नहीं हो सकता? हजरत मरियम दे दर्दे ज़ेह दा जिक्र कुरान च अल्लाह ने हिस्सा बना दिता है, वह हुंदा पिया है। ते जैनब दे दर्द दा जिक्र ना होवे, जनाब फातिमा तो ज़हरा दे दर्द दा जिक्र ना होवे, रसूल अमीन दे दर्द दा जिक्र ना होवे, खुदा दी अज़ियत दा जिक्र ना होवे। हाफ़िज़ साहब अली पहली गल दे विच ही बैठे ने, एक खुदा दी चाहत, एक मुस्तफा दी चाहत है, जनाब हुसैन। इसे वास्ते हुज़ूर ने फरमाया ना मिनल हुसैन वल हुसैन मुन्नी, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझ से आए थे। उलमा चुप हो जाते ने, इतनी समझ आते, ठीक है ना? इतने समझ, इतनी समझ आएगी, इतने समझ नहीं आएगी। हाँ जी, आह किस तरह जी शेर, किस तरह कोई पीर मेरे अली शाह फरमाते ने थे, कोई मिसल ना ठोलन दी, कोई मिसल ना ठोलन दी, कोई मिसल ना ठोलन दी, चुप कर मेहर अली, इत्थे जा नहीं बोलन दी, इत्थे जा नहीं बोलन दी, दो जुल्फां छले वो छले, दो ज़ुल्फ़ां छले वो छले, दो ज़ुल्फ़ां छले वो छले, सारा जग सोना है, साढ़े सोने तू थले वो थले, सोने तू थले वो थले। आओ यार मिलके तो पढ़ो, आओ तुम
हाँ जी जी पढ़ो ना जरा तुम तो पढ़ने वाले हो ना था भाई मैं तो सुनने वाला तुम पढ़ो ना जरा तुम्हारी आवाज़ें बड़ी अच्छी ने यार पढ़ दो दो जुल्फा चले वो चले दो जुल्फा चले वो चले दो जुल्फा चले वो चले पढ़ो जी पढ़ो ही पढ़ो इसे रंग पढ़ो जुल्फा चले वो चले सारा जग सोना ए साढ़े सोने तू थले वो थले जी पढ़ो पढ़ो जरा पढ़ के छले वो छले सारा जग सोना है सारा जग सोना है मेरे माये तो थले वो थले मेरे माये तो थले वो थले दल दर्जन डब्बियां दा दल दर्जन डब्बियां दा अरशां ते तुम पे गई आया सरवर नबियां दा आया सरवर नबियां दा टेलीफोन होया टेलीफोन होया पहला नहा मुहम्मद दा फिर कौन फया कौन होया फिर कौन फया कौन होया गल फिर उत चलेगी कौन तू पहले थे? फाया फाया कौन बाद जो है कौन बाद में जो है मुस्तफा साडा कौन तो भी पहले था या खुदा सी या फिर मुस्तफा सी आज यजीदियत 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 बल्ले तो ना ही नहीं लेना चाहिए लेकिन लोग कहते ने लानत ना भेजो यजीद ते क्यों भाई उन्हें अल्लाह नु अजियत दिती रसूल पाक नु अजियत दिती हाँ जी दसो उन्हें हुक्म तोड़िया कि नहीं अल्लाह दा दसो अल्लाह ने कुरान च कहा जेड़ा मुनाफकत करदा ना उन्हें फड़ लवो फड़ के ते फिर ये नहीं कि उन्हें मारना यकदम ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੱਟ ਕੇ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਦਿਓ ਇਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾਦਾ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਾਬਾ ਗ੍ਰਾਮ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ज्यादा नहीं बहना मेरे नबी ने तुहाड़ी वजह तू बहना पवेगा मेरे नबी की अजियत होएगी मैं गुवारा नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करता तुसी रोटी खा के सलाम करना तो निकलने वाली गल कर ली है याद रखो जेड़ा अल्लाह अपने नबी की इन्नी अजियत भी बर्दाश्त नहीं करता तो हुसैन की अजियत किवें बर्दाश्त कर इस तरह ही देखो सियाबा कहते सन राइना या रसूल अल्लाह सरकार जरा इधर ध्यान फरमाओ करम करो राइना अरबी च है कुरान च है राइना या रसूल अल्लाह ते काफरां ने भी कहना राइना या रसूल अल्लाह राइना वो करते सन मजाक नाल रब नूं ये भी गवारा नहीं होया फरमाया मुसलमानों सुन लो तुसी राइना कहना ही नहीं तुसी कहना उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमाए उन्ज़ुर रब ते इन्नी भी नहीं गल बर्दाश्त करदा
تے باقی حضور دی عزیت علی جناب حسین دی عزیت علی کیویں برداشت ہوئے گی جی ہائے ہائے ایک بڑے بڑے امام مفسر فرماندے نے میری تحقیق ہے او دا ایمان نبی پاک دی رسالت اتے نہیں سی ہے یزید دا اگر او دا ایمان ہوندا تے واقعہ کربلا رونا مان او دا ایمان نہیں سی سرکار دے جی فرمایا فاطمہ میری جان کے دو حصے ہیں میری جان کے لوکی ٹکڑا کہندے نے میری جان دا فرمایا میری جان کے دو حصے ہیں دو تہائی ہے فاطمہ جس نے اس کو غضب ناب کیا اس نے مجھے کیا ہاں جی جس پہ یہ راضی ہے اس پہ میں راضی ہے اللہ راضی آپ نکلے تھے جناب فاطمہ زہرا دے گھر ویکھے تھے جناب حسین دی رون دی آواز آئی آپ جلدی نال گھر آئے آکھیا کہ فاطمہ میں اگے بھی کنی دفعہ کہا کہ حسین دا رونا میرے کول نہیں دیکھا جاندا مینوں بے پناہ تکلیف ہوندی حسین جدوں روندا اینوں رون نہ دیا کر اینوں نہ رون دیا کر ہاں جی فرمایا میں علی فاطمہ حسن تے حسین اسی کٹھے جاواں گے جنت دے وچ اور اسی کھانا کھاواں گے حضرت علی عرض کردے نے یا رسول اللہ جڑے ساڈے نعرے مارن والے نے یا علی کہن والے نے یا رسول اللہ کہہ رہے نے محبت والے نے عاشق نے پروانے نے فرمایا علی وہ بھی نال ہی ہون گے اپنے فرمایا اسی رل کے کھانے کھاواں گے اسی رل کے کی کراں گے باقی دنیا حساب کتاب دے گی محبت والے میرے نال کھانا کھانے اور تسی محبت والے ہو خوش نصیب ہو تسی وہ محبت دا چراغ لے کے بیٹھے خوش نصیب ہو تسی خوش نصیب ہو فرمایا جن نے میرے آلے بیعت نال دشمنی کی تھی وہ قیامت والے دن میری امت چ نہیں کھڑا ہوئے گا پاویں کنے بھی عمل وہ کول ہون گے وہ میری امت چ نہیں کھڑا ہوئے گا فرمایا جدوں فاطمہ گزرے گی نا سرکار براق تے ہون گے نبی پاک تے جڑی دنیا تے سواری سی جناب فاطمہ وہ ہون گے حضرت علی فرماندے نے 70,000 حوروں دے وچ آواز آئے گی سب اپنی نظروں کو نیچے کر لو رسول امین کی شہزادی گزر رہی ہے جنت کی ملکہ گزر رہی ہے حسن و حسین کی اماں گزر رہی ہے نظریں جھکا لو سارے یہ جناب فاطمہ الزہرا دی شان ہے ہائے 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو روایت آپ فرماندے نے سرکار جناب فاطمہ الزہرا نو ویکھ کے فرمانا ساری دنیا نے کہنا فدا کا امی و ابی میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمانا فاطمہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہو تے جڑے لوگ یزید دی عزت دے محافظ بنے بیٹھے نے وہ بدبخت کی دبے گا کیوں بھائی اس بدبخت نے کی دینا ہے جڑی دی عزت دے محافظ بنے نے میں خدا دی قسم جنب بھی قبول نہیں کرنا ایتھے نہ کتے آ جاؤ اہل بیت دے بنو تانوں جنت دین تانوں پتہ آپس وچ کشیدگی ہو گئی جناب حسین تے حضرت عمر دے بیٹے دی آپس بول بلیا ہو گیا تے جناب حسین فرمان لگے تمہارے بابا میرے بابا کے غلام ہیں حضرت عمر دے بیٹے چپ وقت دے خلیفے دا بیٹا چپ اسے نال کر گئے جا کے دسیا کہ اے آکھیا یہ گل کیتی ہے حسین نے بابا کی ہے چلو ابھی چلو کاغذ بھی لے لیا قلم بھی لے لیا چلے گئے جناب حسین اپنے گھر دے دروازے دے باہر کھڑے تے تھوڑے جے پریشان ہوئے اے ہن اپنے ابے نوں لے کے آ گیا ہن پتہ نہیں بابے میرے کول شکایت ہونی ہے کی بنے گا تھوڑے جے نہ گھبرائے ذرا تے لیکن شیر خدا دے شہزادے سن سنبھل کے رہے کھڑے رہے اتھے کھڑے اتھے رہے جناب فاروق اعظم نے کہا کہ حسین تسی یہ گل فرمائی ہے
कि आपके बाबा मेरे बाबा के गुलाम हैं, कुर्बान जाइए। कहते आप नहीं कहते मिंबर पे खड़े होके, आप ही तो कहते हो ना मिंबर पे खड़े होके। तुहानू पता हज़रत उमर का पहला खुतबा जो मिंबर रसूल ते खड़े सन, कहते हैं लोगो मैं उमर हूं ना, आप मुझसे डरते हो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो अब्दे रसूल हूं, मैं तो गुलामे रसूल हूं, बंदा रसूल हूं। हजरत हुसैन कहते हाँ मैं क्या, तुसी नहीं कहते मेंबर ते चढ़ गए, कहते बिल्कुल कहना तुसी आख्या, उन्हें कहा बिल्कुल क्या, उन्हें कहा फिर लिख के दियो, उन्हें कहा मैं लिख दिना, लियाओ कागज लियाओ कलम, लिख दिता आप मेरे बाबा के गुलाम है। हजरत उमर ने कहा वाह मौला तेरा शुक्र है, और सुन ला अब्दुल्ला जो मैं कबर में रखना ही ना ये जी लिखती ना ये मेरे सीने ते रख दई, होर कुछ भी ना होया तो ये दसांगे ना असी गुलाम। हाय हाय फिर देखो किसी मशहद दे विच सरकार नहीं गए, हजरत अबू बकर विसाल दे मौके ते, हजरत उमर जी जदों शहीद होए ने सरकार नहीं गए उस मकाम। हजरत उस्मान गनी नूं इन्ना फरमाया कि उस्मान तुमने सैरी खा लेनी है और अफतारी हमारे पास करना आके, जिस दिन शहीद होए ने ना आपने कहा कि आपने सैरी खानी है और अफतारी हम कराएंगे आपको, जिस दिन शहीद होए ने रात की गल। तो जनाबे हजरत अली भी शहीद होए तो सरकार नहीं गए मस्जिद, लेकिन जदों जनाबे हुसैन शहीद हो रहे सन जेड़ा जेड़ा आपका साथी शहीद हो रहा सी और जदों शहीद हुंदा सी ते सरकार दे कोल हाजिर हो जाता सी, सरकार उस मकाम ते पहुँच चुके, नबी पाक उस मुकाम ते पहुँच चुके सन, उस मुकाम ते पहुँच चुके सन। और फिर कहंदे ने जिन्हें कस्तनतुनिया फतह किया वह बेइज्जती है, कहंदे ने ना मिसाल देंदे ने ना ए अज तुहानू मैं दसनी चाहना यजीद दा जन्नत नाल की तलक बना दे। एक हदीस नहीं आ गई है बल्कि यजीद दे हवाले नाल, हाँ हजरत इमाम मेहदी दे हवाले नाल है कस्तूनिया दा नाम, वह फरमाया जिहड़ा रूम दे शहर ते हमला करेगा पहला वह 42 हिजरी विच कीता है। यजीद उदों कित्थे सी, 6 साल दा, 7 साल दा, 8 साल दा बच्चा सी, वो जिन्होंने पहला हमला किया वो जन्नती ने, यदा तो बनता नहीं नाले यदा जन्नत नाल की तलक है जो ये वाकया होया। हाँ जी मदीने ते हमला किया 10,000 बंदा शहीद किया, ये बंदा जन्नती है। 700 सहाबा किराम ने शहीद किया, मस्जिद नबवी दे सेन विच घोड़े बन छड़े, 3 दिन आख्या जवानों जो दिल करदा करो मदीने च नमाज मुअत्तल, घोड़े बन छड़े जी उथे, वह बंदा जन्नती। हाँ जी जिन्हें खाने काबे नूं अग लग छड़ी, हजरे अस्वद उहदों दा ही टुकड़े टुकड़े होए, और कुलंज दे दर्द नाल मरिया, पेट दे दर्द ही मर गया। जे किसी को मरदा ना तो फिर कईयां ने शहीद उहनूं बना, रब ने कहा सी इह तां सवाल ही पैदा नहीं ना हुंदा, इहनूं उंज ही लपेट छड़ना इत्थे, इहदी आणी है लानत उहदे उत्ते, शीशे दी पट्ठी लगी अगे भी पट्ठी ते इत्थे भी पट्ठी, क्यों जी हुण तुहाडे कोल अगर हाजिर होवे तां की करो उहदा हशर, छड्डो उहनूं तुसीं, क्यों बई को करोगे ना। ते जिहड़े जिहड़े उहनूं अमीर उल मोमिनीन कहंदे ना ओही सा अज़ाब दा लैणगे ना उहदे कोलों, हां जी तो वंड तरंड होवेगी तां बचेगा। जिस वक्त जनाब सैयदा ज़ैनब वापस जा रहा सी, काफला आखरी गल काफला वापस जा रहा सी, जनाब दा सर मुबारक सी नेजे दे उत्ते, रस्ते विच एक मुकाम आया, एक औरत ने देखिया वह घरों दौड़ी पानी लैके खाने लैके, आपने कहा बीबी कौन है, सानू तो किसी ने पानी भी नहीं पूछा रस्ते विच ते तू एडी मुहब्बत कर रही। उन्हें कहा जी मैं जनाब फातिमा तो ज़हरा दे खिदमत च सां मदीने शरीफ, तो जदों उन्हां दा आखिरी वक्त आया
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਪੁੱਛੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ, ਕੈਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ। ਮਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਫਾਤਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਕੋਲ ਮਦੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਫੌਰੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕੈਦਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ੈਨਬ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਪਟ ਗਏ, ਲਿਪਟ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੇਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਆਲਮ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਲਾਨਤੀ ਲਈਨ ਖਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤਮਾਮ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨਾਤ ਦੀ, ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਲਾਨਤ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ ਪਿਆ ਜਨਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦਾ, ਛੜੀ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੋਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ, ਹੈ ਉਹ ਜੰਨਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਿਆਬੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਸੋਟੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ, ਹੈਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ। ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਆਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਛੜਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜੇ, ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਵੇ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਗਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਜਨਾਬ ਫਿਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬੁੱਢੜੀ ਸਨ, ਕੁੱਬੀ ਹੋਈ ਦੀ, ਕੋਬੀ ਕੱਢ ਛੜਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਇਹ ਬਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਗਨਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਜ਼ੀਦ ਲਾਨਤੀ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਵਾਲੀ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਫੌਜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਬਸ਼ੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਸਨ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਹਬਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੇ ਇਹਤਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਧੌਣ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਗਾਵਤ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਨੇ ਫਿਰ ਮਦੀਨਾ ਤਜਬਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਬਸ਼ਾ ਕੀ ਬੇਟੀ ਕੀ ਅੰਮਾ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਕਤ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਜੰਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਲਾਨਤ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਜੰਨਾਤ ਦੀ, ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਤੂੰ, ਬਾਯਜ਼ੀਦ ਬਸਤਾਮੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਾਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਆਪਦੀ ਬੜੀ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੀ। ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 60-60 ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸਿਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਹਬ ਕਾਫ ਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਨਸਲ 'ਚੋਂ ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨਸਲ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ
ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਲਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਮਵੱਦਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੀਂਦ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਨਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਜ਼ੀਦ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੱਭਣਾ? ਜੇ ਜੰਨਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ? ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਾਹਿਦ ਵੀ ਹੋ, ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਨਰਮ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਪਰਵਾਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਵਾਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕੇ ਨਾ, ਸ਼ਮਾ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ? ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਛੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਭੂੰਡੀ ਜੀ ਸ਼ਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਲ ਕੇ? ਭਾਵੇਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਆਖੇਗਾ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਸੜਨ ਮਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਮਰਨ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਸੜਨ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਈਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਵਾਨਾ ਮੁੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਮਾ ਭੂੰਡੀ ਕੋਲੋਂ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਮਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਪਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਕਫ ਮਦੀਨੇ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਸੀਂ ਰਾਹ ਗੁਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਯੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਾ, ਐ ਮੌਤ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਯੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨਾ, ਕਿ ਨਾਨਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪੇ ਇਹ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਲਨ ਮੁਹੰਮਦ ਪੇ ਇਹ ਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਗਰ ਕੋ ਫਿਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਨੇ, ਅਸਗਰ ਕੋ ਫਿਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਇਬਨੇ ਅਲੀ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਕੋਈ ਔਰ ਪਿਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਕੋਈ ਔਰ ਪਿਸਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਕੋਈ ਔਰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਭਾਈ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੇਨਮਾਜ਼ੀ ਰਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ,
कि जिन्हां दा जिक्र अल्लाह ने कुरान च हिस्सा बना तो ही हदीसा नमाज इबादत है उहदे च जिहड़ा जिक्र है जिक्र मुहब्बत है समझ आ गई जे ना बस अल्लाह ताला हाफिज़ साहब दा ज़ौक हाफिज़ साहब दा शौक और लेकिन मच्छी कले कले खांदे ये रोन लगे सन मैं मछली की गल सुना यार एक एक शेर पढ़ो बस एक पढ़ दो एक शेर पढ़ दो बस फिर सलाम पढ़ी एक एक शेर पढ़ो ये कड़ी रात रोज है हुसैनी रात है जी हाँ जी हदीसे पाक है एक यहूदी आखन लगा मुसलमानों जे तुहाडा नबी खजूरां उगा देना रातों रात मैं मुसलमान हुआ सियाबी ने कह लै इस साढ़े आका ते फिर जेड़े जिस जेड़े उंगल दे नाल चन्न नूं तोड़दे ने उसे उंगल नाल ही जोड़ छड़दे ने साढ़े आका ते गल ही कोई नहीं वह क्या या रसूल अल्लाह अज गल हो गई यहूदी नाल ते सरकार अज करम करना जे आपने कहा मेरे सियाबी की या रसूल अल्लाह अज उन्हें आख्या जे रातों रात आपने कहा सियाबी कोई गल नहीं इंशाल्लाह उगा लवांगे लै भी तुम बड़ा सियाबी खुश गया उन्हें कहा चल भाई लो जी गिटकां लाइया किहड़े हथ नाल लगियां जिहनूं रब कहिंदा मेरा हथ है है मौलवी ऐसा चवल जांदा झूठ जिहड़ा कहिंदा सारा नबी साढ़े वर्गा है रब ने भी हथ तक ही आख्या है वह जिहदू कैंकरियां मारियां ਵਮਾ ਰਮਈ ਤਾ ਇਸ ਰਮਈ ਤਾ ਵਲਾ ਕਿੰਨ ਅੱਲਾਹ ਰਮਾ ਕੈਂਕਰੀਆਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਵਾਈਆਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਫੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਵਲਾ ਕਿੰਨ ਅੱਲਾਹ ਰਮਾ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਜੀ ਅਜਾਫ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਆਖਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸੂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਗੌਰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਗਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਗਿਟਕਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਵਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣੇਗਾ ਖਜੂਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਖਜੂਰਾਂ ਉਗਾ ਜਾਣੀਆਂ ਉਹ ਗਿਟਕਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਪਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਵਾ ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿਆਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾ ਉਠਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਖਜੂਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਪੇਸ਼ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਚਲੋ ਵੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਕਬਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਖਜੂਰਾਂ ਵੀ ਉੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਆਪ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਖਜੂਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਭੁੰਜੇ ਵੇਖੇ ਕਦੀ ਉਹ ਸਿਆਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਕਰ ਲਾ ਜ਼ਰਾ ਖਜੂਰਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਖਜੂਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ੀ ਖਜੂਰ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਖਾਧੀ ਦੋ ਖਾਧੀ ਤਿੰਨ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਆਖਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਝੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਖਬੀਸ ਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਖਜੂਰਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰ ਗਿਟਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੇ ਗਿਟਕ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਪਨੇ ਫੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਿਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਿਭਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਜਾਣਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੀਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਬਰਕਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸੁਣ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ
अल्लाह दे सोने नूरी दिया जिथे ना कोई दरी दी गया ओथे सोना जा जानदा मदीने वालिया मेना दादा लगिया निभा जानदा सहारा जिदा कोई ना होवे सहारा जिदा कोई ना होवे ओनु गल ला जानदा मदीने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਕਮਾਲ ਜੇ ਚਾਵੇ ਸੋਨਾ ਗਿੱਟੀ ਕੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਚਾਵੇ ਸੋਨਾ ਗਿੱਟੀ ਕੋਂ ਬਗੈਰ ਖੱਜੀਆਂ ਮੁਗਾ ਜਾਣਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾ ਜਾਣਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਮੋੜਦਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਲੱਤ ਜੋੜਦਾ ਤੇ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਅੱਖ ਮੋੜਦਾ ਜੇ ਚਾਵੇ ਸੋਨਾ ਪੱਥੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਜਾਣਦਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾ ਜਾਣਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਭਾ ਜਾਣਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਨਾਲੇ ਚਰਖਾ ਕਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੇ ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਰਖਾ ਚਲਾਵੇ ਨਾਲੇ ਚਰਖਾ ਕਤਾਂ ਨਾਲੇ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਨਾਲੇ ਚਰਖਾ ਕਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵਲੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵਲੇ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਕਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਨਾਲ ਚਰਖਾ ਕਤਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਵਲੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵਲੇ ਨਾਲੇ ਚਰਖਾ ਕਤਾ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਮੇਰਾ ਗੂੰ ਗੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਦਾ
नल पूनी वटा नल याद करा नल पूनी वटा नल याद करा हथ कर वले दिल यार वले नल चरखा कदा नल याद करा तेरे बाजू नहीं हुंदा साडा किसे दा गुजारा जो भी मिले आ करीमा तेरा सदका है सारा साडा किसे दा गुजारा जो भी मिले आ करीमा तेरा सदका है सारा तेरे बाजू नहीं हुंदा तेरे बुए दी गदाई उतों बारा शहनशाही तेरे बुए दी गदाई उतों बारा शहनशाही तू नबियां दा आका नाले अल्लाह दाए माही तू ए नबियां दा आका नाले अल्लाह दाए माही जेड़े पासे भी मैं वेखां तेरा वेखदा नजारा जो भी मिले आ करीमा तेरा सदका है सारा तेरे बाजू नहीं हुंदा पान पुले खे अन बशरी दे पान पुले खे अन बशरी दे तेनु जानन वाले आ जान लिया पान पुले खे अन बशरी दे तेनु जानन वाले आ जान लिया अलिफ दे मुख ते पान पुले खे अन बशरी दे पान पुले खे अन बशरी दे तेनु जानन वाले आ जान लिया अलिफ दे मुख ते मीम दा घोंघट अलिफ दे मुख ते मीम दा घोंघट आशिका ने पहचान लिया अलिफ दे मुख ते मीम दा घोंघट अलिफ दे मुख ते मीम दा घोंघट आशिका ने पहचान लिया पान भुले खे आना बशरी दे लोकी कहंदे अर्श बरी ते बन मेहमान अज आया अरिश बरी ते बन मेहमान अज आया कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन मेहमान ते की मेहमानी कौन भला समझावे
कर वाला कर अपने आया, कर वाला कर अपने आया, लोका समझ मेहमान लिया, कर वाला कर अपने आया, लोका समझ मेहमान लिया, पान पुले पान पुले खे अन बशरी दे, पान पुले खे अन बशरी दे, तेनू जानन वाले आ जान ले आ, अलिफ दे मुख ते मीम दा घोंघट, अलिफ दे मुख ते मीम दा घोंघट, आशिका ने पहचान लिया, पान भुले खे अन बशरी दे, लोकी कहंदे अरश बरी ते बन मेहमान जिया, लोकी कहंदे अरश बरी ते बन मेहमान जिया, कौन मेहमान देखी मेहमानी, कौन मेहमान देखी मेहमानी, कौन भला समझावे, कर वाला कर अपने आया, कर वाला कर अपने आया, लोका समझ मेहमान लिया, पान भुले भाई दोस्तों अर्ज ये है, मैं कोई ना ते पढ़नी नहीं हूं मेरे हजूर किबला आलम तो बाद, गल मैं सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करदा, जिन्होंने इस महफल सरकार की बरकत नाल इस महफल रंग लाया, बाकी बात यह है कि हजूर मेरे पीरो मुर्शिद शाहजादा पीर सईद उल हसन शाह साहब आपकी तबीयत नहायत खराब सी, यकीन जान लो आप कहते सन कि 10 बजे दुआ कर देनी है, लेकिन देख लो 2 घंटे सवा 2 घंटे बयान हो गया, और एक की बजाया बजाया कि घर वाला घर अपने आया, लोका समझ मेहमान ले, बस हजरात जी वकार एक जरूरी ऐलान समाप्त कर लो इंशाअल्लाह अजीज, 10 दिसंबर
2014 पीरे तरीकत रहबरे शरीयत मंबा फ्यूज़ो बरकात साहबजादा वाला शान हुजूर किबला पीर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब हाफज जी सरकार आपदा सालाना उर्से पाक इंशाल्लाह अजीज 10 दिसंबर बरोज बुध दरबारे आलिया चरागिया कुतुबुल इरशाद वाल्टन शरीफ लाहौर इनकाद पजीर है। तमाम पीर भाई दोस्तानों इल्तमास है कि सारे दोस्त मुहब्बत दे नाल अकीदत दे नाल 10 दिसंबर उर्से पाक तो पहले पहले आपस च मुशावरत कर लो ताकि हाजरी नू जितने भी सोहने तरीके नाल पेश किया जाए अच्छी बात है। इकट्ठ दे नाल रल के सारे संगी चलांगे इंशाल्लाह। सारे दोस्त जेडे कोई पीर भाई नहीं भी जान की ख्वाहिश करते हैं उन्होंने लैके चलना कोई किराया नहीं है इंशाल्लाह अजीज दोस्त अहबाब जेडे साडे पीर भाई नहीं है फी सबीलिल्लाह लैके जाया जाएगा सवारी का इंतजाम इंशाल्लाह किया जाएगा। सारे दोस्त जौक दर जौक पहुँचना महफिल पाक जड़ी इबादत नमाज़े इशा होएगी जिदी सदारत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हुजूर किबला पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब दामत बरकातों मलालिया फरमाणगे ज़ियारत भी करांगे बरकत भी लवेंगे तो इंशाल्लाह अजीज हाजरी भी होएगी। वो सिर्फ मेरे दीदार के तलब में होते। फरमाया वला तादुआइना का अपनी नजरों को उनसे न हटाओ मतलब ऐसा तको कि फिर नजर इधर उधर ना हो तक के रहो। अच्छा भाई मुदसर खड़ेगा ते चलो उच्च तो फीस भी ले लाते जे बाकी ने तो फिर वो भी अपना किराया भी दे लन कोई अरज नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़्मे हिदायत पे आसियो थाम लो दामने मुस्तफा आसिया थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत पेला खो सलाम शमाए बज़्मे गेदा या नबी सलाम अलैका या रसूल सैयदा जहरा तैयबा तहरा जान
हमने अहमद की राहत पेला खो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला हम शमय बजमे अब आखरी अर्ज करे हम मेरे मौला जब मरे हम कलमा आपका पढ़े हम बाद उसके यूं कहे हम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम मौलेगा या हबीब सलाम अलैका सलावा ए खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम आजज़ाना हो कबूल सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यस्म वसलाम अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक दफा अलम शरीफ तीन दफा कुल शरीफ और अव्वल आखिर दुआ शे اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قبول کیتا ختمات شریف قبول کیتا جو پڑھیا قبول جی اللہ یا اللہ یا مولا جو کلام پاک پڑھیا ہے علماء کرام نے جو بیان فرمایا ہے جو نعت خوان نے کمال خوبصورت نعت خوانی سرکار دی کیتی اس دسواب جو اہتمام ہے اس دسواب اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرما حدیثاً حضور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درباز پیش کر کے جمیع انبیاء کرام علیہ السلام 313 رسولان اسلام چار مرسل والدین کریم نبی علیہ السلام آپ لجت امجد اہل بیتہار بالخصوص حضور سید الشہداء امام علی مقام نواس رسول جگر گوشہ بطول جناب امام حسین علیہ السلام آپ دے برادر اکبر جناب امام حسن علیہ السلام جناب سیدہ زینب جناب فاطمہ الزہرا جناب مولا علی کرم اللہ وجہ سب دی خدمت شہداء کربلا دی خدمت ثواب حدیثاً آپ دے رفقا دی خدمت دے وچ ثواب آپ دی بارگاہ چ سلام خواجگانِ عالیہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ قادریہ نشائیہ جو بھی بزرگان دین سلاسل ہائے ہیں اولیاء اللہ سب دی خدمت حدیثاً پیش کر دیا یا اللہ حضور غوث العالمین غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ حضور حافظ جی سرکار رحمت اللہ علیہ آپ دی اولاد پیر پائی پیر پینا جو ہو گزرے نے سب دی اروان و اشتہ سواب اور جتنے بھی دوست اس محفل چنے جنہ دے بزرگ اس دنیا چو برزخی زندگی چنے یا اللہ سب دی ارواح نو اس دا سواب سب دے دات بلندی فرم یا حل المشکلات یا دافع البلیات یا منزل البرکات یا اللہ جو بیمار نے شفا تا فرما یا اللہ جو دکھی نے دکھ دور فرما جو مقروض نے قرضے تو رہائی فرما جو بے اولاد نے اولاد صالح عطا فرما جو نرینہ اولاد چاندے نے نرینہ اولاد عطا فرما بیماراں نوں شفا پئی سجاد دے بچے واسطے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما یا مولا کریم اچھا اللہ تعالیٰ جنہاں دے اولاد نہیں اللہ تعالیٰ پئی محمد آصف اور جو بھی دوست ہے نہیں کھڑے کہندے تے نہیں پئے لیکن دل دے وچوں تمنا آرزواں یا اللہ جناب حسین دے صدقے دے نال تمام دی آرزواں نیک پوری فرما یا اللہ انہاں دی حاجات پوری فرما یا اللہ کاروبار وچ برکت فرما محنت دے وچ برکت فرما رزق حلال عطا فرما یا اللہ ایک دوسرے دا دکھ اور درد ونڈنا عطا فرما
या अल्लाह साढ़े दिलों में एक दूसरे की मुहब्बत एक दूसरे वास्ते इसार पैदा फरमा। मौला करीम अपने महबूब नबी का इश्क अता फरमा। अहले बैत किराम की मुहब्बत उन्हों की मुवद्दत उन्हों की गुलामी नसीब फरमा। औलिया किराम की संगत उन्होंने सोहबत और नस्बत कामिल अता फरमा। या अल्लाह जितने भी दोस्त तशरीफ ले आए हैं को फैसलाबाद तो को मुरीद वाले तो हाफज शाह साहब अपना भाई नई मदनुकारी नज़ीर साहब हाँ जी सलूनी चाल तू मेरा ख्याल आए होंगे और हाँ जी भाई मखदूस भाई मुदसर भी मेरा ख्याल है बस लैके जा रहे हैं बगैर किराया कल हाँ जी किराया भी आ लिया को कल तेने ना इन्ना सुटो ख्याल एक दूसरे नाला वो ठीक है मुहब्बत नाल तो बंदा कहता ही है फिर बनते रहेंगे सारे ठीक है ना हाँ जी अच्छा जी चलो अल्लाह ताला कबूल फरमाए तो फिर ओदा भी वादा कि जड़ा सानू एक रुपया पेश करेगा असी सत्तर नाल ला के देवे लेकिन वो कैसा गरजमंद बंदा होंगे जिन्होंने सत्तर की गरज नहीं जिन्होंने सिर्फ मालिक की गरज होंगी है वह गरज सब कमाल है वह सारा कुछ आंदा और कुरान चा वमिन को मैं यूरी दुनिया वमिन को मैं यूरी दुल आखिरा लोगों का हाल ये है कि कोई कुछ मुझे कुछ चाहते हैं जन्नत को और कुछ दुनिया को चाहने वाले मुझे नहीं चाहते हैं देखो कैसा गिला है अगर मुझे चाह लें अल्लाह को चाह लें तो फिर दुनिया या जन्नत पीछे रह जाए या अल्लाह बस तो अपना आप अता फरमा तो अपना मुस्तफा अता फरमा अपने औलिया नू अता फरमा जिन्हें दी दुआ नमाज 48 वारी मंगवाना है इहदिन सिरातल मुस्तकीम या अल्लाह प्यारियां दा रस्ता अता फरमा और जिन्हें दोस्तों ने इहतमाम किया इस जनाब अहले बैत दे जिक्र वास्ते और तुहानू दावत खैर दित्ती हाफिज़ मुहम्मद इकबाल साहब कित्थे चले गए ने हाँ जी नहीं लंगर मछली का खिलाना उन्होंने या कोई हो की आज हाँ जी चलो जी लंगर की निस्बत चाहिए है ये निस्बत वास्ते आ जाना ना असं बाकी सारा कुछ बिच आ जाता खाने बड़े लभद ने निस्बत वाला लंगर फिर खुश नसीबी है हाँ जी और सारे लैके जायो कोई बगैर ना जायो ये उन्होंने नाँ का लंगर है ये तो अगर तुम बुकों से भी खड़ना पवे तो लैके जाओ वैसे सादत है वैसे बरकत है हाँ जी हाँ लंगर सभी लेके जाएंगे इंशाल्लाह या अल्लाह इन्हों इस्तेमाल करने वाले हाफिज़ साहब का जज्बा तुम देखो कि अखां की मजबूरी है लेकिन उन्होंने जज्बा वेखो कैसा है हैं जज्बा जवान है उन्होंने और अल्लाह ताला उन्होंने ये कोशिश कबूल फरमा के उन्होंने दिनों दुनिया खैर उबर कर या अल्लाह साहब के घर में बरकत माला में बरकत जाना च बरकत फरमा भाई साहब रहमतुल्लाह की खिदमत اللهم افتح لنا بالخير ويسر لي امورنا بالخير واحسن امورنا بالخير اللهم احفظ من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره اللهم احفظ من كل شر الشياطين اللهم نور قلوبنا بشكرك بھائی جعفر صاحب واسطے بھی دعا ہے ایک خیریت نال عمرے تے جا رہے نے سرکار دے سب دا سلام بھی پیش کریو تے سب دی حاضری بھی لوایو تے سب واسطے دعا بھی کرو بس برکت اللہ سارے نو حضور دی حاضری عطا فرمائے अल्लाह सारा हजूर की हाजरी है फरमाए हाँ जी तो हजूर तो एडे कर्म करते हैं जोड़ा नहीं पहुँच सकता फिर वो खुद ही हाजिर हो जाते हैं साढ़े आका तो ऐसे आका ने रबा ना तो कबल मीना इन्ना कंतमी ललीम वो तो बल या मौल या अल्लाह बीमारा शिफा ता फरमा बीमारा शिफा ता फरमा उन्होंने वास्ते दुआ का भी बंदोबस्त हो शिफा का भी बंदोबस्त हो अता का भी बंदोबस्त हो रहमो करम फजल अंजाम चंगा